नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 48 ईयर्स ओल्ड फीमेल और देखते हैं इनका हाथ हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले देखेंगे अच्छा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और पाम ये स्क्वायर्ड पाम है। देखिए, जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है ऐसे लोगों के जीवन में सक्सेस देरी से आती है। मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसे लोग मेहनत कश लोग होते हैं और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं, अपनी पहचान भी बनाते हैं। इनके हाथ में मैंने बड़े अलग तरह के चिन्ह देखे हैं जो मैं दिखाऊंगी। तो अब ये देखिए, इनके हाथ में यहाँ पर एक तो सबसे बढ़िया एम का चिन्ह है। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं को बताता है, मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा शार्प होने से ऐसे लोगों को सीखने की कला बहुत अच्छी होती है। माइंड ओपन होता है, ब्रॉड होता है, बहुत अच्छा सीख पाते हैं, कोई भी चीज़ को जल्दी से सीख लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम पैसे की बात करें, भाग्य की रेखा की बात करें, काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा है। ऐसे में इंसान भाग्य अपना बनाता चला जाता है और ख़ास तौर से जब फीमेल्स के हाथ में जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो वो पति को भी भाग्य देती हैं। और ये देखिए आगे जाके त्रिशूलनुमा निशान भी है, तो पति को भाग्य देती हैं ऐसी और लेडीज़। अब ये देखिए यहाँ पर ये लाइफ लाइन, अपने जीवन को सुखमय बनाना और हृदय को भी खुश रखना। अब इनके हाथ में, अब इन रेखाओं का हम डीप स्टडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर चलें। ये देखिए, ये तकरीबन ऐसा लगता है कि 30 से लेकर 37 तक का समय थोड़ा सा हार्ड रहा जीवन में, कुछ परेशानी, दिक्कत, टेंशन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे और 50 पे आते आते धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होने लगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 50 के बाद और ब्रॉडनेस दिखा रही हैं। यहाँ पर मुझे एक चेंज इनका तकरीबन 40 के पास भी मुझे चेंज दिखता है। ये देखिए फोर्कनुमा रेखा हो रही है। ऐसे में इंसान के जीवन में कुछ एनलाइटमेंट आता है, यानी कि वो कुछ सीख, नई जगह, नई चीज़ की ओर जाना, नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, जीवन में कोई लक्ष्य पा जाना, जीवन में कुछ नया ऐड होना, कुछ नई फील्ड में जाना, कुछ नया सीखना, इस तरह की ये वर्किंग है। इसलिए हम इनका राइट हैंड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नए, उसमें जैसा होता है ना, नया आप कुछ जीवन में ऐड करते हो, उससे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, कोई नई दिशा मिल जाती है, कोई नई राह मिल जाती है, उस तरह की चीज़ ये रेखाएं दर्शा रही हैं। और ये अपने उस फील्ड को आगे बढ़ाती जाएंगी और आगे उसमें नेम फेम सक्सेस भी पाएंगी। इनके हाथ में देखिए सूर्य रेखा लंबी है, ये इस तरह की, और काफ़ी सिस्टर लाइंस इसके साथ में चल रही हैं। ऐसे लोगों को अच्छा नेम फेम मिलता है, फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, और अच्छी पहचान भी मिलती है। ये देखिए काफ़ी लंबी है, लाइफ लॉन्ग नेम फेम, ये नहीं कि थोड़े समय का नेम फेम, लाइफ लॉन्ग नेम फेम चलता है। और ये नेम फेम होते होते आगे बढ़ता ही जा रहा है। पहले शुरुआत में थोड़ा है, लेकिन जैसे ही ये अपना 50 क्रॉस कर रही हैं, ये देखिए कितनी लंबी लंबी साफ गाढ़ी रेखाएँ हैं जो इनको और बढ़िया नेम फेम दिलवाएंगी। अब इनके हाथ में यहाँ पर ये देखिए हृदय रेखा, हृदय रेखा की बात करें थोड़ी डिस्टर्ब है। ऐसे लोग थोड़े से क्या होता है, घबराए घबराए से भी रहते हैं और जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल नेचर के होते हैं। और देखिए चंद्रमा भी इनका अच्छा है, इमोशनल नेचर, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते ऐसे लोग। इनके अंदर क्या होता है कि दूसरे जरा सा कोई परेशान होता है फ़ौरन उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि अपनी थाली में दो रोटी हों तो वो दोनों की दोनों रोटियाँ दूसरों को दे देंगे और खुद भूखे बैठे रहेंगे। इनको होता है कि नहीं भाई, पहले दूसरे परेशानी है, बाद में मेरी। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। तो ख़ास तौर से जब फीमेल हों तो वो कई बार ये तक कह देती हैं कि मैं कुछ और खा लूँगी, तुम मेरे हिस्से की रोटी खा लो, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रेखा, हृदय रेखा यहाँ तक जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये रेखाएँ इस तरह से लंबी लंबी जा रही हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक यव का चिन्ह है, तो ऐसे में इंसान को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता अपनों से ही, बता रहे अपनों से ही, ये दूसरों की बहुत मदद करती होंगी लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा जो ये चाहती हैं। या कई बार होता है कि जिन लोगों को के लिए इन्होंने किया वही कहीं ना कहीं इनको सुना के जाते हैं या इनकी फीलिंग्स दुखा के जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखना। यहाँ पर देखिए ये अपना काम करने की रेखा बहुत अच्छी है, ये देखिए बहुत बढ़िया रेखा है, अपना काम करवाती है ये रेखा, अपना बिजनेस, अपना काम, अपनी कंसल्टेंसीज, इस तरह की। अब यहाँ पर अब देखिए इनकी लाइफलाइन पर आते हैं, मेन जो चीज़ इनकी लाइफलाइन पर भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए लाइफलाइन, ये काफ़ी डिस्टर्ब, मुझे ऐसा लगता है कि 35 वर्ष के से लेके 40 वर्ष तक में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस, 30 से लेके 40 में तो ऑन ऑफ डिस्टर्बेंसेस चलते रहे होंगे जीवन में। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ रेखा और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की भी बात लगती है मुझे। ये
कहीं ना कहीं, अब ये देखिए यहाँ से रेखा है, ये इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये एक नई डायरेक्शन भी दिखा रही है। और ये देखिए यहाँ पर रेखा कितनी खुरदुरी है, और यहाँ पर देखिए सॉफ्ट हो गई है रेखा, ये देखिए रेखा में सॉफ्टपन आ गया ये, और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुरदुरी है। तो ऐसे में जैसे जीवन जीने का तौर तरीका बदल जाना, जीवन में सोच बदल जाना, तो ये 40 के आसपास तक आते आते और कहेंगे 45 पर भी इनके काफ़ी जीवन में चेंजेस आए आना, तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से कंप्लीशन लेती हुई जा रही है, यहाँ पर आते हैं इनकी भाग्य रेखा पर, ये देखिए इस तरह से यहाँ से निकल रही है, ऑनलाइन वर्क्स की ओर भी इशारा करती है, फीमेल से फ़ायदा होने की ओर इशारा करती है, फीमेल सपोर्ट भी दिखाती है जीवन में। यहाँ से रेखा ये इस तरह से टच भी कर रही है, और ये देखिए ये रेखा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेखा में डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो अर्ली एज में जीवन का थोड़ा स्ट्रगल भी दिखाती है, लेकिन जैसे जैसे समय पार हो रहा है ये डिस्टर्बेंसेस दूर हो रहे हैं, ये देखिए, और आगे त्रिशूल नुमा रेखा में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए यहाँ पर कुछ खर्चे दिख रहा है, ये बड़े खर्चे का योग दिख रहा है, तकरीबन मुझे लग रहा है 46 से 48 कुछ खर्चे करने का योग, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ खर्चे, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ से लेकिन ये रेखा सीधी होती भी ये त्रिशूल नुमा निशान बना रही है, तो खूब धन, अच्छा जीवन में अच्छे धन का उपयोग करना, धन को भोगना, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। अब यहाँ पर अगर इनकी लाइफ लाइन पर देखें तो मुझे लगता है शुरुआत में ये जीवन में अर्ली एज में भी डिस्टर्बेंसेस, और ख़ास तौर से 20-23 के वर्ष के आसपास कोई बड़ी प्रॉब्लम झेलना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है 20-23 और 25 के आसपास। अब चलते हैं इनके हाथ में यहाँ पर, ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है ये, और यहाँ पर भी ये अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस भी ये अच्छा है, रहेगा इनके पास। अब देखिए यहाँ पर ये जीवन में स्ट्रगल करना, अच्छा खासा स्ट्रगल करना, जीवन में मेहनत करना, ये सारी चीज़ें, लेकिन बाद में अच्छा नेम फेम भी दर्शाती है। अब इनकी उंगलियों की ओर चलते हैं, उंगलियाँ देखिए नुकीली हैं, ये देखिए ये नुकीली उंगलियाँ जब भी होती हैं ये कुछ ना कुछ बढ़िया कलात्मक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, सीखने की बड़ी इनके अंदर टैलेंट स्किल होते हैं सीखने के, चीज़ों को सीख भी पाते हैं, और ये देखिए कलात्मक, कई बार इनका ऐसे लोग का आर्ट में भी ध्यान जाता है, ऐसे लोग क्या होता है कि कंसल्टेंसी वगैरह अच्छी कर पाते हैं। और साथ में ये देखिए इनके अंदर ये देखिए ये फिंगर लंबी है, ऐसे लोग कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, और ये देखिए ये फिंगर यहाँ से लंबी है, ये स्ट्रेट है और यहाँ से लंबी है, तो ये कर्म में विश्वास रखना, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर ये फिंगर इस फैलेंस से ऊपर आ रही है, ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की रीजनिंग पावर, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च करना बारीकी से, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देती है, हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च होता है, ऐसे लोग क्या होता है कि कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह के लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सीखा, लोगों की हेल्प करी, फिर उसके बाद अंत में ये यही सोचते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, चाहे कोई मुझे रेस्पॉन्स दे ना दे, मैं अपने कर्म करती रहूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये टेंटेड आर्च है, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो बड़ी समझदारी से अपनी पेशेंस के साथ ये उस चीज़ को टैगल करते हैं, पेशेंस बहुत होती है इन लोगों में। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह का टेंटेड आर्च है, जीवन में अपने प्रोफेशन भी चेंज करते हैं ऐसे लोग कई बार, और ऐसे लोग अपने कर्मों के कारण नेम फेम अच्छा पाते हैं, और जैसे कहना चाहिए जीवन में ऐसे लोगों का जन्म जो है अच्छे कर्म करने के लिए होता है, मानवता के कर्म करने के लिए, मानवता की भलाई के कर्म करने के लिए जन्म लिया होता है ऐसे लोगों ने। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का अगेन टेंटेड आर्च है, ऐसे लोग चैरिटी वर्क काफ़ी करते हैं, और ये देखिए एक चीज़ और ये ऐसे लोग अच्छे कंसल्टेंट भी बनते हैं। अब देखिए इनके थंब की अगर बात करें तो थंब
पीछे की ओर काफ़ी इंक्लाइंड है। जब भी थंब पीछे की ओर काफ़ी इंक्लाइंड होता है, ऐसे में इंसान काफ़ी एडजस्टेबल नेचर का होता है और वो जो है किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का परेशानी, दिक्कत हो, परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। कैसा भी खाने को मिल जाए ठीक है, कैसा भी रहन सहन हो ठीक है, उस तरह के एडजस्टमेंट एडजस्टेबल नेचर इनकी देखी जाती है। यहाँ पर ये देखिए दो यव बन रही है इस तरह के। ये देखिए पहली ज़िंदगी जो फर्स्ट हाफ होती है काफ़ी अलग होती है, दूसरी हाफ काफ़ी अलग होती है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इस तरह की ये लाइन, ये काफ़ी डिस्टर्बेंस शो कर रही है। मेंटल टेंशंस बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी वरीज, टेंशंस बहुत ज़्यादा, जैसे लाइफ में होता है ना बार बार प्रॉब्लम्स का आना, अननेसेसरी टेंशंस का आना, दिक्कतें परेशानी, वो सारी चीज़ें, मेंटल पीस कम होना, वही है मैंने इनकी मस्जिद शेखा पर भी देखा था, मेंटल पीस का प्रॉब्लम होना। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का एक इनके टेंटेड आर्च है ये। तो जीवन में कई बार होता है कि शिफ्टिंग्स करना, या होता है ट्रांसफर्स होते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स बहुत देखना, कभी बहुत अच्छा चलेगा, कभी बहुत ख़राब, मूड स्विंग्स होना, कई बार इस तरह की चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी हैं, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ फैमिली, ये बहुत बढ़िया इनके हाथ में है। और बच्चों का सुख भी हाथ में काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। और इनकी विल पावर देखें बहुत बढ़िया है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी सेम इसी तरह का चिन्ह है, टेंटेड आर्च, जो हमने राइट हैंड में देखा था। तो ऐसे लोग की सोच यही होती है, नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ पर देखिए अगेन ये टेंटेड आर्च है इस तरह से, यही सेम हमने राइट हैंड में देखा था। तो ऐसी चीज़ों को हिम्मत से, समझदारी से, पेशेंसफुली चीज़ों को टैगल अप करना। ये देखिए ये ऐसे लोग काफ़ी कह सकते हैं आपकी ऑनरी वर्क करते हैं, यानी कि सामाजिक सेवा बहुत करते हैं ऐसे लोग, यही सेम हमने इनके हाथ में देखा था राइट हैंड में भी। और सामाजिक सेवा के कारण अच्छा नेम फेम भी कमाते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह से इनके हाथ में ये टेंट आर्च जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे लोग हमेशा कभी भी, हमेशा एक तो पोलाइट नेचर के होते हैं, हमेशा हेल्पफुल होते हैं, हमेशा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। ये देखिए ये नुकीली उंगलियां हैं, तो काफ़ी मेहनती भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो इस तरह का रेडियल लूप है। ऐसा रेडियल लूप जब भी किसी फीमेल के पाम में होता है, अपने घर परिवार की काफ़ी चिंता करना, बात बात पर टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए ये टेंशंस, वरीज, इस तरह की चीज़ें। ऐसे में इनको जैसे अगर गायत्री मंत्र का जाप करें तो ये लाइंस जो है 3 से 6 महीने में निकल जाती हैं। अब ये देखिए विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, जो एक बार ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। देखिए लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और ऐसे ये देखिए यहाँ इस तरह की लाइन है, अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं ऐसे लोग। और अंगूठा पीछे की ओर मुड़ा हुआ, तो अगेन हम कह सकते हैं कि काफ़ी एडजस्टेबल नेचर की लेडी हैं। अब इनके हाथ में 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में ज़्यादातर टेंटेड आर्चेस मिलते हैं। ऐसे लोग गिविंग हैंड्स होते हैं, जैसे होता है ना किसी किसी को बैठे बैठाए मिल जाता है किसी किसी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो तो गिवर टेकर्स होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना इस तरह के हैंड्स, ये गिवर्स होते हैं। ये क्या होता है कि ये दूसरों को देने में विश्वास करते हैं, दूसरों को देने में, भला काम करने में, अच्छा काम करने में और समाज सेवा करने में, इस तरह का पाम मुझे ये लगता है। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर या पर्वतों की ओर, देखें पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके पाम में देखें तो ये देखिए इस तरह का वलय बन रहा है, गुरु वलय। ऐसे लोगों का अध्यात्म में बड़ा मन लगता है, और ये देखिए मेडिटेशंस करना, अध्यात्म में मन लगना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए एक एपेक्स का चिन्ह भी है, नई नई चीज़ों को सीखना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए त्रिशूलनुमा निशान है, जो धन की कभी कमी नहीं होने देगा। यहाँ पर देखिए एपेक्स का चिन्ह है, पेशेंस बढ़ाना, ईश्वर शक्ति का हाथ होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकी नॉलेज की रेखा, देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नॉलेज की रेखा हमें इनके हाथ में दिखाई देती है। और ये देखिए ये इस तरह का लूप है, जब भी कोई काम करती हैं बहुत तरीके से, कायदे से करना। और यहाँ पर इनके हाथ में मैं दिखाती हूँ ये हाफ गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है ये इस तरह का। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होती हैं, ऐसी फीमेल्स, पेरेंट्स के लिए,
फिर हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, इस तरह से इनकी रेखाएं बताती हैं और लाइफ इनकी अच्छी लग्जरियस बीतती है। अब इनके हाथ में एक चीज़ और ये है कि ऐसे लोग अलग दूसरों के लिए बहुत काम करता है। ये किसी अपनी ऐसी फ्रेंड से मिले या उसके घर जाती हैं कि जो बहुत परेशान है, उसकी फ्रेंड की प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, ये चीज़ दिखाई देती है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह है, ये नेम फेम रिकॉग्निशन मिलना, अपने कर्मों के लिए अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन मिलना। देखिए यहाँ पर, ये देखिए बुध, बुध इनका थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं इनको बोलूँगी ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएगी। ऐसे लोग क्या होता है कि थोड़ा बिजनेस स्किल्स कमज़ोर होते हैं, यानी कि सेल्स मार्केटिंग में थोड़ा कमज़ोर होना। ये देखिए यहाँ पर इनकी लाइंस, देखिए हीलिंग लाइंस हैं, ऐसे लोग अच्छे कंसल्टेंट तो बनते ही हैं, साथ में इनके अंदर ना दूसरों को हील करने की पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को दुख दर्द को दूर करने की पावर बहुत अच्छी होना, लोग इनसे मिलकर खुश होते हैं, लोगों को इनके पास बैठ के ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, उनको कंफर्टेबल फील होना, उनको हील्ड फील होना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं, ये देखिए मंगल पर्वत दोनों इनके बहुत अच्छे हैं, जब भी दोनों मंगल अच्छे होते हैं इनके आसपास के लोग कई बार इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इनका वास्ता ऐसे लोगों से ज़्यादा पड़ता है जो इनको इरिटेट करें, परेशान करें, टेंशन दें, ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जीवन में। और ये देखिए अंदरूनी मंगल फिर भी इनको कॉन्फिडेंट बनाए रखता है, और बाहरी मंगल बाहर से भी कॉन्फिडेंट ये लोग होते हैं, अपने दिल की बात जल्दी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से इनका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, यात्राएं जीवन में अच्छी करवाता है, साथ में ये देखिए यहाँ से रेखा जुड़ना तो फीमेल सपोर्ट, फीमेल फ्रेंड्स या उनसे बेनिफिट्स मिलना फीमेल से, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत अगर देखा जाए तो ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, इनके अंदर होता है कि मन की शांति बड़ी चीज़ है और जीवन में खुशी रहना बहुत ज़रूरी है, बस खुशी पे ये लोग कि सब कुछ अच्छा बना रहे, ईश्वर की कृपा बना रहे काफ़ी है, ये इस तरह के बिलीव वाले लोग होते हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए गुरु पर्वत अच्छा खासा है, समाज में मान सम्मान मिलना, और ये देखिए लाइफ में कुछ बेटर सोचना, ऊंचा उड़ना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इनके हाथ में ये इस तरह का शुक्र बल है, ये चल रहा है, ये इस तरह का शुक्र बल है, तो ये शुक्र वाला है जैसे हमने उस उधर भी देखा था, इधर पूरा हो रहा है। तो लाइफ में परिवार वालों के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए लकी होना, ये देखिए कितना बढ़िया त्रिशूल नुमा निशान यहाँ भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितनी बड़ी रेखा है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, आंखों का चश्मा, कुछ भी इस तरह की चीज़ दिख सकती है। ये देखिए कितनी लंबी सूर्य रेखा है, ये अच्छा नेम फेम दिलाती है। ये देखिए ये आगे तक का नेम फेम, ये इनका जो नेम फेम शुरू होगा कुछ 50 के आसपास से, ये देखिए कितना बढ़िया और नेम फेम दिख रहा, बहुत ज़बरदस्त नेम फेम। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुध पर्वत यहाँ पर अच्छा है, ये देखिए अपना काम करने की देखा अच्छी होना, यहाँ से ये टच कर रही, देखिए ये इस तरह से जब भी निशान आता है तो ये लाइफ में काफ़ी ग्रोथ, जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो और ये रेखा भी अच्छी लंबी हो तो अच्छी ग्रोथ भी कराता है। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत, इनका मंगल पर्वत दोनों इनके अच्छे हैं, तो अपने जैसे ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना, लेकिन जीवन में देखिए यहाँ से रेखा को आना कि ऐसे लोग ज़्यादा टकराना जो इनको परेशान करते हैं। देखिए चंद्र पर्वत भी अच्छा है और ये शुक्र पर्वत यही बताता है सादा जीवन उच्च विचार। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, ये देखिए लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंसेस हैं, ये लाइफ लाइन इस तरह से जा रही है, और ये देखिए ये तो यहाँ पर ये क्या है, ये दूसरों की लिए ये लोग अपने दूसरों के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो रहते हैं सपोर्टिव, दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी कम जीते हैं दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा जीते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जीवन में, ये देखिए यहाँ से, लेकिन ये एक रेखा और रेड हो गई, तो इनके जीवन में यहाँ पर ये रेखा का छूटना और इस रेखा का निकलना, तो ये कुछ ना कुछ नया जीवन में आगे ग्रोथ करवा रही है,
तो जैसे अगर इनकी जब इनकी एज 48 है तो उसमें अगर देखा जाए तो 50 के बाद से और नई चीज़ें जीवन में ऐड होना, कुछ 45 से चेंज आया, कुछ 50 के बाद से और चेंज दिखता है। यहाँ पर देखिए हाथ में, ये देखिए मस्तिष्क रेखा ब्रेक हो रही है, ये देखिए। तो जीवन में कुछ ऐसा हुआ है इनके 30 से लेके 40 तक के बीच में, तो काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ झेलना, काफ़ी हार्ड समय देखना, ऐसी कुछ चीज़ें, और या जीवन बड़ा दबाव भरा देखना, हमेशा दूसरों के मन मुताबिक चलना, फैमिली प्रॉब्लम्स देखना, ये सारी चीज़ें ये देखिए। लेकिन जैसे जैसे अब समय आगे जा रहा है, चीज़ों में देखिए ग्रोथ आती जा रही है, नई राह दिखती जा रही है। अब इनके हाथ में, ही हाथ पे देखिए, ये फीमेल सपोर्ट है, ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ से कुछ, ये देखा जाए तो यहाँ पे भाग्य रेखा इस तरह से हल्की हल्की चल रही है, लेकिन यहाँ से तो कुछ 35-40 से आगे जाती जा रही है, ये देखिए और आगे जाती जा रही है, ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, और ये देखिए यहाँ से हल्की हल्की, ये बहुत हल्की हल्की रेखा, लेकिन ये देखिए 35 के बाद बदलाव आना, और कुछ 46 से 48 के बीच में बदलाव आना, और उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम्स का खुद ब खुद सॉल्व होते जाना, सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होती जानी है। यहाँ पर हृदय रेखा जो है डिस्टर्ब है अगेन इनके हाथ में, तो थोड़ा सा देखिए इनको जैसे होता ना कि हार्ट दिल जल्दी दुखना, जल्दी परेशान हो जाना चीज़ को लेके, या सामने वालों का रेस्पॉन्स ऐसा होता है कि जो इनकी फीलिंग्स को हर्ट करके जाते हैं, जिसकी मदद करती होंगी वही इनको चार बार सुना के जाता होगा, ऐसी कुछ चीज़ें फेस करना, तो ये चीज़ दिखाई देती है। ओवरऑल देखें हैंड अच्छा है, बढ़िया हैंड है, जीवन में ऐसे लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, इनका जो जन्म होता है ऐसे लोगों का वो हेल्प करने के लिए हुआ होता है, दूसरों की मदद, और दूसरों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता फिर भी ये अपनी राह पे चलते रहते हैं, दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ये इस तरह का पाम मुझे दिखता है। ये जैसे क्या होता है एक तरह के मोटिवेशनल स्पीकर भी आप कह सकते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, हील करने वाले, दूसरों के लिए हेल्प करने वाले, ये सारी चीज़ें गुण इनके हाथ में दिखते हैं। तो जैसे होता ना दूसरों को लाभ मिलने वाला, ये अपने लिए लाभ कम मिलेगा, दूसरों के लिए ज़्यादा लाभ मिलेगा, अपने लिए ईश्वर ने जितना दिया हुआ है उतना काफ़ी है, लेकिन दूसरे इनसे बेनिफिट्स लेंगे, इनकी क्वालिटी से दूसरों को बेनिफिट्स मिलेगा, ये इस तरह का जैसा सेवा करने वाले हाथ होते हैं, सेवा करने के लिए जन्म लिया होता है, ये उस तरह के हाथ हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, इनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।